नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक बड़ी खबर जनपद मिर्जापुर से आ रही है। नकली आईएएस आईपीएस बनकर काम कराने के लिए अधिकारियों को धमकाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। खबर को विस्तार पूर्वक से जानते हैं कि उक्त युवक द्वारा अपने मकान पर आलोक तिवारी DYSP का भी बोर्ड लगाया गया है। अभियुक्त आलोक कुमार तिवारी नकली आईएएस आईपीएस बनकर अधिकारियों को फोन करके काम कराने के लिए धमकाने की बात प्रकाश में आई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्र द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए घटना से संबंधित अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गई। अधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 26 मई 2023 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर अरविंद कुमार मिश्र मय पुलिस दल द्वारा कोतवाली शहर क्षेत्र से अभियुक्त आलोक कुमार तिवारी पुत्र योगेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी आवास विकास कॉलोनी संख्या 4 मकान नंबर 200 थाना कोतवाली बाराबंकी जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शहर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। सूत्रों की माने तो अभियुक्त आलोक कुमार तिवारी का एक रील वायरल हो रहा था, जिसमें किसी चौकी में वहाँ के दरोगा व सिपाही सैल्यूट करते दिखे हैं। आइए सुनते हैं कि पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्र ने उक्त गिरफ्तारी के संबंध में क्या कहा। ये फ्रॉड व्यक्ति है जो आईपीएस खुद बन के आईएएस बन के लोगों को जो चीट करता था, क्या मामला है पूरा? जनपद मिर्जापुर में शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा नकली आईएएस आईपीएस बनकर डिप्टी एसपी बनकर लोगों को फ़ोन करना, अन्य जिले के अधिकारियों को फ़ोन करना, उन पे अनावश्यक कार्य के लिए दबाव डालना, विवेचना में नाम निकालना, नाम बढ़ाना, लोगों की गिरफ्तारी रोकना इत्यादि, ऐसे कई फ्रॉड के काम किए जा रहे थे। इस सूचना पर हमारी SOG एवं थाना कोतवाली नगर की टीमें लगाई गई थी COCD साहब के नेतृत्व में। इसमें एक व्यक्ति आलोक तिवारी पुत्र योगेंद्र तिवारी, जो कि जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर मैनुअल एवं जो सर्विलांस के आधार पर से गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से मोबाइल एवं अन्य चीज़ें बरामद हुई है। अभी तक की जांच में ये मालूम चला है, जो इसकी कॉल रिकॉर्डिंग या बाकी थी, कि ये कई अधिकारियों को फ़ोन करता था, कई विभाग के, जिसमें कि रेवेन्यू विभाग भी है, जिसमें पट्टा करवाना ना करवाना, मेडिकल विभाग हो गया, पुलिस विभाग में तो अक्सर ये फ़ोन किया करता था, और कई SPs का नाम लेके ये कई चौकी इंचार्ज या इन पे अपनी वो भी झाड़ता था, वीडियो बनवाता था जहाँ पे इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज खड़े हैं, ये बैठा हुआ है, वो दिखा के लोगों से और भी गलत काम करवाता था। लेकिन ये जो फ्रॉड आदमी है आलोक तिवारी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने घर में भी गुमराह कर रखा है कि ये बिहार में डिप्टी SP है, कभी लखनऊ कमिश्नरेट में ACP बन जाता है, कभी कानपुर में ACP बन जाता है। इस तरीके से पूरे जो समाज है उसको भी कर रखा है। इनफैक्ट अपने घर पे भी इसने बोर्ड जो लगा रखा है आलोक तिवारी डिप्टी SP करके, इसने बोर्ड भी लगाया हुआ अपने घर पे। तो इस तरीके से तमाम लोगों को झांसा दे रहा था। लेकिन जनपद मिर्जापुर में आने के बाद इस पे जब सूचना प्राप्त हुई, तो तुरंत हमारी टीम ने इसको कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया के माध्यम से अन्य भी जो लोग अगर इसके पीड़ित अगर आते हैं सामने, तो वो भी विवेचना में इंक्लूड किया जाएगा। अन्य भी अगर इसके लोग इसमें शामिल होते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर करके आगे भी कार्रवाई करवाई जाएगी। ऐसा क्यों करता था सर? ये करता था इजी मनी के लिए, रॉब झाड़ने के लिए, और एक झूठ लेके चला था शुरू से ही कि मैं IPS में सिलेक्ट हुआ, IAS में सिलेक्ट हुआ, डिप्टी SP में। ये इसकी अराउंड करीब एज 30 ईयर्स है, और पूरे समाज में इस तरीके का इसने एक भ्रम फैला रखा है। जैसा मैंने बताया, अपने घर पे भी इसने बोर्ड लगा रखा है आलोक तिवारी डिप्टी SP। तो इस तरीके से लोगों का काम करवाना, उनसे पैसे वसूलना, इन्हीं कामों में ये लिप्त था, और धीरे धीरे इसकी आदत बढ़ती गई। और उसी क्रम में उसने मिर्जापुर SP मिर्जापुर, यहाँ के DSP, इनका भी नाम जब शुरू यूज़ किया, तो ये सूचना हमें प्राप्त हुई। लेकिन हमने समय रहते हुए इसको पकड़ लिया और पकड़ के इस पर अग्रिम कार्रवाई करी। सर, आपका भी नाम लिया गया था कहीं? ये मिर्जापुर के भी जो डिप्टी SP है, एडिशनल SP है, कभी SP मिर्जापुर बन के कुछ लोगों को फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया तो हमने इस पर कार्य किया। और इसके अभी तक की जो डिटेल्स हैं, उससे मालूम चला है कि कई अधिकारियों का नाम लेके पूर्व में भी ये लोगों को वसूली कर चुका है, या लोगों से उल्टे काम करवाने के लिए दबाव बना चुका है। लेकिन इसको मिर्जापुर में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और ऐसे जो भी लोग होंगे फ्रॉडस्टर टाइप के, उन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।